आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप YouTube के शॉर्ट वीडियो में उसको आप कैसे व्यू ला सकते हो, उसमें काफ़ी हद तक आप उसको वायरल भी कर सकते हो। आज कुछ दिन मैंने पहले मतलब एक नया चैनल क्रिएट किया था जिसका नाम है साइलेंस फॉर यू, एंड उसमें मैंने दो चार यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने पोस्ट किए थे, तो आज उसमें काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया देखने को मिला। तो आज उसमें मैंने क्या क्या ट्रिक्स फॉलो किया इस वीडियो को बताने वाला हूँ। उससे पहले आज आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैंने मतलब कहाँ कितना व्यू आया उसमें। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पर ओपन करता हूँ, एंड आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, तो यहाँ पे मैंने मतलब देख सकते हैं आप 11 सब्सक्राइबर पे हो चुके हैं। एंड साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आपको व्यू दिखाने वाला व्यू यहाँ पे देख सकते हो। आप जो मैंने सेकंड पोस्ट किया था सेकंड वीडियो, तो उसमें ज़्यादा व्यू यहाँ पे आ चुके हैं। देखा आप देख सकते हो इसमें व्यू आए हैं, देख सकते हो 1914 व्यू आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब दो दिन में इस वीडियो का इसमें इतना सारे व्यू आए हैं। आज आपको बताना मतलब क्या ट्रिक्स, मतलब इस वीडियो मैंने क्या ट्रिक्स फॉलो किया, एंड अभी मतलब इस ट्रिक्स को फॉलो करके आप काफ़ी हद तक व्यू आ सकते हो। तो उस पर हम बताना हो कैसे किस तरह से उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको एंड में पसंद आता वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट। तो आज अगर हम इस वीडियो का एनालिटिक्स में चेक करें, तो आज यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं एंड देखते हैं एनालिटिक्स में क्या क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो रियल टाइम व्यू है 48 आवर में 170 है, एंड वॉच टाइम यहाँ पर देख सकते हो व्यू आप देख सकते हो गाइस ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे 86.8% है। गाइस ये जो वीडियो था वो 9 सेकंड का था, तो गाइस 7 सेकंड तक मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हो तो उसमें आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा ही आएगा, क्योंकि छोटा वो छोटा ही रहता है, तो ऑडियंस मतलब पूरा फुल वॉच करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो 97% है यहाँ पर, आपको 97.4% आप यूट्यूब शॉर्ट्स से आया। यहाँ पर देख सकते हो आपको सारा आपको वाइट मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स से आपको देखने को मिल रहा हो, सारा जो ट्रैफिक सोर्स है यूट्यूब शॉर्ट्स से ही कराता है। तो गाइस सिंपली क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन चलते हैं। मैंने जैसे तो मैंने इसका इंप्रेशन अगर बात करें तो इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है, आपने देखने में देख सकते हैं यहाँ पे इंप्रेशन आपको देख सकते हो इतना ज़्यादा आपको आ चुका है। अगर आपके 0 सब्सक्राइबर है फिर भी मेरा इतना सारा इंप्रेशन जा चुका है। अगर आपके वीडियो में रेगुलर मतलब क्लिक आ ही रहे हैं व्यू आ रहे हैं, तो इंप्रेशन आपको यूट्यूब ज़्यादा भेजता है। तो आपको मतलब देखना होगा कि मतलब इंप्रेशन में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि मतलब इंप्रेशन आपको भेजता ही रहे। अगर हम यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक करके की बात करें मतलब CTR की बात करें तो यहाँ पे 10% है, तो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर मेरे शुरू में चैनल खोलते हैं तो मतलब थोड़ा सा बड़ा रहता है, ज़्यादा रहता है। अगर यहाँ पे देख सकते हो आपको CTR यहाँ पे देख सकते हो 10 पॉइंट मतलब धीरे धीरे घट गया, पहले 28 था, काफ़ी ज़्यादा रहता है शुरू में। एंड सबसे नीचे आपको बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे एंड मतलब यहाँ पे यूट्यूब सर्च टर्म से भी आ रहा है। ना आप देख सकते हो टॉप सजेस्टिंग वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे सजेस्ट करा है मेरे वीडियो, देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा जो सजेस्टिंग में यहाँ पे शो करा है मेरे वीडियो जो भी मतलब शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था। तो ऐसे से मतलब इतना सारा यहाँ पे सजेस्ट कर रहा, तो सजेस्टिंग से भी आपको व्यू आता है, तो मतलब आपके थंबनेल पे दिखता है। तो ऐसे से यहाँ पे ऑडियंस में बात करें तो ऑडियंस में आपके फैन न्यूज सब कुछ दिख रहे हैं। मैं आपको देख सकते हो इंडिया में 90% यहाँ पे देखे हैं। तो इस तरह से आप बात करते हैं कि मतलब इस वीडियो मैंने क्या ट्रिक्स फॉलो किए हैं, एंड मतलब क्या क्या मैंने यहाँ पे यूज किया इस वीडियो में, सारा ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको फॉलो करना है एंड क्या क्या आपको नहीं फॉलो करना। तो आज यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर देख सकते मैंने यहाँ पे टाइटल जो लिखा है यहाँ पे मैंने टाइटल यहाँ पे शॉर्ट लिखा था। अब मैंने यहाँ पे देख सकते हो KTM लवर KTM 9380 फोटोग्राफी KTM शॉर्ट्स, तो यहाँ पे मैंने सारा शॉर्ट में यहाँ पे टाइटल मैंने अपलोड किया। एंड आपको टाइटल भी आपको शॉर्ट में लिखना है, ऊपर में आपको KTM के साथ साथ आपको शॉर्ट भी लिख देना है। एंड क्या करना है उसके साथ आपको यहाँ पे कॉपी करके इसको आपको पूरा कॉपी करके क्या करना आपको सिंपली इसको कॉपी करके आपको अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर देना है। आपको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा था वो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना। अगर आप डिस्क्रिप्शन में मतलब आप और भी चीज़ें लिखते हो जैसे कि मतलब इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने मतलब आपको दिखाने वाला हूँ कि KTM रेसिंग KTM ये सब मतलब KTM वाई KTM फोटोग्राफी, तो आज इस तरह से आप लिखते हो अपने क्यूरिज करके लंबा लंबा, तो इसमें भी आपको बहुत सारा चांस रहता है कि मतलब इस तरह से वायरल होने का आपका जो भी शॉर्ट्स वीडियो होते हैं। अब जैसे आप अगर आपको थंबनेल का बात करें तो थंबनेल में आपको देख सकते हो अगर आप थंबनेल आप ऐड करना चाहते हो तो आपको उस वीडियो से आपको थंबनेल में आपको कुछ मतलब क्लिक करके आपको बीच बीच का पार्ट आपको दिखाएगा थंबनेल के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना जो मतलब बीच बीच का पार्ट आपको जो जो आपको चाहिए आपको मतलब किस चीज़ को आपको दिखाना चाहिए आपको मतलब उस थंबनेल में जो भी आप अपने शॉर्ट्स डालो। क्योंकि आपको देखा होगा कि जब भी आप अपने शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो उससे पहले आपको देखने से पहले कुछ आपको शो करता होगा कुछ अच्छा खराब कुछ मतलब तभी आप उसमें क्लिक करते हो, तो गाइस इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर मतलब आप अगर उसमें अच्छा डालते हो अपना मतलब थंबनेल वगैरह मतलब शो करते हो अच्छा अपलोड करते हो तो इसमें ये तो हो गया थंबनेल का। अगर आप मतलब यहाँ से आप चूज करके आप थंबनेल भी ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ पर थंबनेल ऐड कर सकते हो। इससे तो ये थंबनेल का बात हो गया। अब बात करते हैं टैक्स का, यहाँ पर टैक्स देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्स लगाए थे, उसमें से मैंने देखो तो मैंने शॉर्ट लगाया था जो भी मैंने ऊपर में लगाया था वो मैंने नीचे भी पेस्ट कर दिया। एंड KTM लवर KTM फोटोशूट यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे टैक्स लगाना
बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे टैक्स लगाना, जैसे मैं जैसे मैंने पे सारे केटीएम से मैंने लिखा था, बट यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे टैक्स लगाए थे। उससे क्या होता कि छोटे शॉर्ट्स के लिए छोटे टैक्स ही काफ़ी करते हैं, उसमें एक छोटे टैक्स ही काम करते हैं। हालांकि आपको वहाँ पर जब भी आप यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपको अपलोड के लिए आपको वहाँ पे आपको नहीं दिखाई सबके लिए डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल टैक्स के लिए। तो भाई अगर आप मतलब अगर आप यहाँ पे यूट्यूब आई टी स्टूडियो में आते हैं तो भाई आपका भर के आपको यहाँ पे टैक्स लगाना जो मतलब जिस वीडियो से आपके रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो वीडियो है टैक्स से ही आपको वायरल हो सकता है, उसमें चांस ज़्यादा होते हैं आपको मतलब सर्चिंग में, क्योंकि जब भी आप उस रिलेटेड आप सर्च करोगे तो आज आपका वीडियो नीचे आगे शो करेगा शॉर्ट वीडियो में। तो इसे चलते उसमें मतलब ज़्यादा चांस रहते हैं शॉर्ट वीडियो को मतलब आपके सर्चिंग में लाने के लिए इंप्रेशन ज़्यादा बेस्ट था। अगर आप इस तरह से आप उसको मतलब टैक्स लगाती है तो आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना आपके यहाँ पे थंबनेल में, अगर आपका थंबनेल अच्छा रहता है आपको थंबनेल मतलब अट्रैक्टिव रहता है क्योंकि वहाँ पर आपका इंप्रेशन से आपको वीडियो जो है क्लिक करेगा। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना कि वो प्रॉपर दिखाना कि जो चीज़ आप मतलब अपने वीडियो में दिखाना चाहते हो उस चीज़ को आपको मतलब पूरा दिखाना आपका थंबनेल में अट्रैक्टिव होना चाहिए। उस चीज़ को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको लगा देना है आपको जो भी थंबनेल लगाना चाहते हो। एंड क्या मैंने आप सब सब कुछ बता दिया कि टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट में क्या क्या आपको ऐड करना है। टाइटल आपको शॉर्ट लिखना है, उसमें आपको शॉर्ट केटीएम मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लिख देना है, सिंपली उसको आप पेस्ट करना आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस उसको आपको अपने टाइटल में पेस्ट कर सकते हो। एंड गाइस उसमें मतलब यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड लगाना है, शॉर्ट शॉर्ट आपको टेक्स्ट लगाना है। इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा वायरल होने के चांस रहते हैं शॉर्ट वीडियो। तो गाइस इस तरह से अपने शॉर्ट वीडियो लगा सकते हो, जिसमें यहाँ पे सारा मैंने जो जो मैंने ट्रिक्स फॉलो किए थे उस तरह से मैंने यहाँ पे इतने सारे व्यू आए। तो आप भी ट्राई करके देखना, इस चीज़ को आपको फॉलो करके देखना कि क्या रिस्पॉन्स आता है आपका, और बताना कि मतलब ये जो ट्रिक्स है कैसा लगा आपको, ये किस टाइप का ट्रिक्स मतलब यूजफुल है कि नहीं है, आप मतलब कुछ ट्राई करके देखना कि ये आपको कैसा लगा। तो आज इस तरह से अपने वीडियो ला सकते हो अपने शॉर्ट वीडियो में, एंड इस तरह से अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। मैं कहते मैंने कुछ दिन यहाँ पे वीडियो हुआ है, एंड गाइस इसमें जो मतलब व्यू आ रहे हैं काफ़ी आते रहे, रोज़ रोज़ आते हैं 200-300 रोज़ आते रहे। एंड देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी कम टाइम में 2-3 दिन तो हो ही गया इस चैनल का। एंड देख सकते हो अगर आप इस चैनल को फॉलो करना चाहते हो मतलब सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मैंने न्यू चैनल है कहेंगे जहाँ आपको आपको कुछ आपको देखने को मिलेगा नई न्यू चीज़, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ मतलब यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस जिस तरह से अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो आज आपको पता चल गया मतलब इस वीडियो में क्या क्या ट्रिक्स बताए, आपको भी आप भी इस ट्रिक्स फॉलो करके काफ़ी हद तक अपने शॉर्ट वीडियो में भी रख सकते हैं, गाइस उसको वायरल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, बाय, टेक केयर।